फैन बोल रहा है विक फैन। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। नाम क्या है तुम्हारा वॉल पे? हाँ अभी डाला है 1:30 बजे। उड़ के जाओ ना वाले पे। तो और भाई लोग क्या हालचाल है यार। अब देखिए यार, PUBG एक ऐसा गेम है जिसमें कुछ लोग भी ये सीरियस होकर खेलते हैं और कुछ लोग मनोरंजन के लिए खेलते हैं, लेकिन यार मेरे में वो दोनों क्वालिटी है भाई, ये माहौल के हिसाब से ढल जाता हूँ यार। तो आज इस मैच में मैं आपको एक ऐसा क्लच दिखाने वाला हूँ जो कि इस उड़ान खटोला महल में शायद अभी तक किसी ने किया, लेकिन साथ ही इस मैच में एक कहानी भी है जो कि शुरुआत से लेकर अंत तक भी ये इस वीडियो में साथ रहेगी और आपको बहुत हंसाएगी। और वो सीन देख के आप शायद मेरे को ठरकी लौंडा बोल दो, लेकिन यार देखो वो सब सीन थोड़ी आगे जाके होंगे, पर फिलहाल हम उतरे उड़ान खटोला महल में और उतरते ही देखो क्या होता है। लो भैया शक्तिमान गंगाधर वाली लैंडिंग हो गया। भाई अब उतरते ही टॉप आरपी वाले की पेटी बना देता हूँ। तो भैया जैसे हर बंदा हर बंदी का बेरो नहीं होता, वैसे ही हर टॉप आरपी वाला प्रो नहीं होता, लेकिन यार सीन ये होता है यहाँ पे डीटी की पेटी बन जाती है, तो अब भैया बदला लेना पड़ेगा यार। अब बदला तो लेते रहेंगे, लेकिन भैया सबसे पहले मैं इसकी M4 लेता हूँ और फिर उतना ही में ये सीन होता है। आजकल जियो का नेट कुछ ऐसा चलता है जैसे कोई दुल्हन शादी के दिन लहंगा उठा के चल रही हो, तो यार यहाँ पे सानी जी का नेट खराब हो जाता है और फिर ये सीन होता है। गंगाधर भारत देश है महान, वर्ल्ड कप कर दिया दान और गंगाधर ही शक्तिमान। तो यार इस बंदे की मैं पेटी बना देता हूँ और ये बंदा पूरे मैच में डीटी से ऑल में बात करेगा। अब वो ऐसा क्यों करेगा वो आपको आगे पता चलेगा, पर फिलहाल भैया ऊपर एक दो बंदे और बैठे होते हैं तो मैं बम बबूरा करता हूँ, लेकिन यार अपने बम बबूरा बहुत सस्ते हैं तो भैया लग नहीं रहे थे, 2-3 फेंक चुका था और फिर ये सीन होता है। अब पीछे से एक बंदा शॉर्ट गन लेके छलकपाट करता है, तो मैं बोलता हूँ भैया ऊपर वाले बंदों को बाद में देखेंगे, पहले इसको निपटा के जाए, तो मैं आगे जाता हूँ, पर यार वो खुद यहाँ जाता है। और जैसे इसकी मैं पेटी बनाता हूँ तो मैं बोलता हूँ यार ऊपर वाले बंदों को मारना नहीं यार मेरे को, क्योंकि यार वो निहत्ते थे और निहत्ते बंदों को क्या मारे यार, तो मैं बोलता हूँ भैया इनसे टीम अप कर लेंगे और साथ में भूत को मारेंगे, तो मैं यहाँ आके उचकने लगता हूँ। अब यार यहाँ पे उनको शंका हो रही थी कि मैं उनकी लंका ना बना दूं, तो मैं पास में जाता हूँ और ऑल में बोलता हूँ कि भैया नहीं मारेंगे तुमको, आ जाओ साथ में, लेकिन यार वो फिर भी नहीं आते, तो भैया मैं भूत को मारने अंदर घुस जाता हूँ। और जैसे ही भूत की पेटी बनती है तो ये सीन होता है। और यार ये आवाज सुन के कसम से दिल गार्डन गार्डन हो गया था, काहे कि भैया लड़की का चक्कर था लड़की का, तो यार दोनों लड़कियां होती हैं। नहीं उठाए सीजे गेमिंग करके। फौजी सीजे गेमिंग, फौजी सीजे गेमिंग।
और यार यहाँ पे डीटीएन के मरे हुए टीममेट से चैनल का प्रचार प्रसार जोरों से कर रहा था। और यार साथ ही यहाँ पे लड़कियाँ तो दो होती हैं, लेकिन बतिया सिर्फ काली वाली रही होती है, तो मैं काली वाली के पास जाता हूँ। हेलो थैंक यू। और लगे हाथ भैया बातों ही बातों में मैं इनका नाम पूछ लेता हूँ, क्योंकि यार कल कटे सो आज कटे सो अब, कटने से डरता रहेगा तो लड़की फटाएगा कब। खैर देखिए यार आप तो जानते ही हो कि लड़कियाँ बहुत बड़ी कमजोरी है अपनी, लेकिन जब भैया तीन तीन लड़कियाँ एक साथ हो तो जोश भैया चौगुना बढ़ जाता है। तो अब कुछ ऐसा सीन होने वाला है जिसको देख के आपको मजा टाइप का जाएगा, तो बस ध्यान से देखते रहना यार भैया। तो मुझे अचानक से नीचे से गोलियों की आवाज आती है और फिर डेढ़ बजे उड़ के जाओ ना पे तो लड़ना तो पड़ेगा यार, तो देखो यार अब क्या होगा। नीचे कूद दो ना फौजी भाई वाले पे, इधर पीछे पीछे गिर इधर कूद गए। पर्सनालिटी से करूं किल, भरे हैं तेरे फोन के भी बहुत सारे बिल, इसीलिए लेकर आया हूं अपना चुनाव चिन्ह टूटा हुआ दिल। तो यार अगर आपको ये क्लच अच्छा लगा हो तो यार लाइक नहीं सब्सक्राइब बनता है, तो भाई लोग हो सके तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे भी मजा टाइप का जाएगा। अब देखो यार सीन ये होता है कि कुछ देर बाद भैया ये उड़न खटोला महल गायब होने वाला था, और गायब होने के तुरंत बाद भैया काफी ज्यादा पैराशूट खुलते हैं, तो मैं सोच रहा था कि यार उससे पहले मैं उतर जाऊं ताकि भैया काफी बंदों की हवाई में पेटी बना दूं, लेकिन यार जब मैं उतरता हूं तो कोई नहीं दिखता, पर फिर देखो क्या सीन होता है। हाँ बोलो बोलो क्या हुआ। पता नहीं ये कौन उड़ रहे हैं ऊपर, देखना नीचे वाला फेल देगा। ये कौन है अच्छा, मत मारो वही है। और यार ये वही टीम अप वाली होती है जो कि भैया उड़न खटोला महल में मिली थी, तो यार इनको मैं छोड़ देता हूँ और भैया जाके सॉरी बोलता हूँ और मेडकिट पकड़ाता हूँ। It's okay. और भैया बस इसी आवाज को सुनने के लिए ये सब कर रहा था मैं। तो यार देखो सीन होता कि भैया उनके पास गाड़ी नहीं होती, तो मैं गाड़ी दिखाता हूँ कि उस गाड़ी को लेके निकल जाओ यहाँ से, और मैं आगे जाता हूँ सानी जी को लेने। अब मैं सानी जी को ले लिया था और बंदों को ढूंढ रहा था, लेकिन यार ये लोग भैया मेरा पीछा नहीं छोड़ती, जहां भी मैं जाता हूं, ये दोस्ती वाली गाड़ी से मेरे पीछे जाती है, और कई बार भैया कुलाटनी खा के गिरी भी थी क्योंकि यार गाड़ी गैतल थी वो। तो यार मैं बोलता हूँ भैया इनके लिए डासिया का इंतजाम कर लिया जाए, तो मैं उनको एक घर में छोड़ के आता हूँ और गाड़ी लेने यहाँ आता हूँ, क्योंकि यार सच बताऊँ तो उनको छोड़ के भैया दिल मेरा भी नहीं मान रहा था, तो मैं उनको लेने जा ही रहा था, लेकिन तभी सनी जी ये कहती है तो सनी जी उनको गाड़ी में बिठाने से मना कर देती है, और फिर अबे टीम अप नहीं कर सकते बैन करवाओगे क्या। और यार आप मानो चाहे ना मानो भैया यहाँ पे हमारी पेटी बनते बनते बची, तो यार एक टीम हमारा पीछा कर रही थी उतने ही भैया एक और टीम में जाती है, तो वो फर्स्ट वाली टीम भैया उनसे लड़ने लगती है और उस वजह से हम लोग यहाँ पे बच जाते हैं। अब देखो फर्स्ट वाली टीम ने सेकंड वाली टीम की पेटी बना दी थी और वो बंदे यही पे रुक गए थे, तो मैं आगे जाता हूँ और तभी मुझे एक बंदे की फुटस्टेप आती है।
और जिसकी फुटस्टेप आई थी वो भी ये गाजर घास लपेटा होता है। और यार फिर उतना ही में एक और बंदा जाता है तो मैं बम बबूरा करता हूँ। अब बम बबूरा से तो कुछ नहीं होता, लेकिन तभी भी ये एक बंदा नीचे जंप करता है और यार फिर वो गलत सीन करने के फुल मूड में होता है। देखो यार क्या करता है वो। दो नॉक हो चुके, तीसरा भी नॉक, पूरी स्क्वाड वाइप हो चुकी है मिस्टर रॉकस्टार। एक दिन एक लड़की ने मुझसे कहा, क्या करूं यार कुछ समझ नहीं आता, मंगलसूत्र पहनो तो चोरों की नजर, ना पहनो तो छोरों की नजर। तो यार ये गिली सूट वाले चाचा दिमाग लगाते हैं कि भैया उनके पास तो गाजर घास है, तो गाजर घास लपेट के भैया सांप बन जाता हूँ, जैसे ये इस साइड आएगा तो मैं पेटी बना दूंगा, लेकिन यार मैं पहले ही वहाँ पे खड़ा होता हूँ और उनको सांप बनने नहीं देता। खैर देखो यार यहाँ पे हम इनकी पेटी बना देते हैं और अब बचते हैं दो बंदे, और वो दो बंदे वही टीम अप वाले होते हैं। तो यहाँ पे अब आप तीनों लड़कियों की बातें सुनना ध्यान से। यहाँ पे भरत मिला हो चुका है फिर से, यहाँ पे दो लड़कियां काम नहीं वे लड़की है, लड़कियां है, लड़कियां समझ रहे हो, हेलो हेलो सर नहीं है। मेरी भी नहीं है। उन्नति के लिए चाहिए दो चार हेटर, अभी फेंक के मारेगी तुम्हारे भाई पे ये लव लेटर। तो ये दोनों पेन फाइट करने बोलती है, मैं बोलता हूँ यार मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है पेन फाइट की, तो फिर ये कहती है मेरी भी नहीं है। खैर उसके बाद अच्छा तीनों लड़कियां यहाँ पे ना, ये भी यहीं पे फ्लैट तो रहे इन दोनों के लिए। अल्लाह करना क्या है ये बताते हैं आप, इन लोगों से बातें करने का इरादा है। अब क्या करना, हर की लोगों को जिधर मुंह मारना है मारना है, तो मैं को क्या। एक लड़की के सामने दूसरी लड़की की तारीफ या उससे बात करना पेट्रोल पंप में सिगरेट जलाने जैसा होता है, और यार यहाँ पे जलन देख रहे हैं आप। अब जैसे ये चीज सुनता हूँ मैं, तो मैं बोलता हूँ ये चलो अब मर जाते हैं, अब बहुत हो गया यार, तो मैं बोलता हूँ सानी से उनसे मरते हैं अपन। लेकिन मैं तो ऐसे ही मर जाती हूँ, मेरे को किसी के हाथ से नहीं मरना। अब देखिए यार मैच जब से शुरू हुआ है एक भी लड़की को नहीं मारा, और भैया इन दोनों को तो मार नहीं सकते थे, सानी जी नॉक पड़ी थी यार, तो इससे अच्छा मौका जाने नहीं दे सकता था। तो मैं भैया लेता हूँ बम बबूरा और एक टुक फेंक देता हूँ सानी जी के ऊपर। अरे तो अब सानी जी की पेटी बन गई और अब सोचता हूँ कि मैं खुद निपट जाऊँ, लेकिन लेकिन पता नहीं कैसे मेरी जगह ये अपी नोक हो जाती है, लेकिन मेरी भी हेल्थ ना ही के बराबर बची थी, तो मैं मोलो लेता हूँ और फेंक देता हूँ क्योंकि मुझे पता होता है इससे मेरी बेटी बनेगी। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, बाय। और बताओ यार क्या चाहिए जीवन में, इससे ज्यादा और क्या मिल सकता है। अरे ओ प्रेम पुजारी, बात मानो हमारी, नारी के चक्कर में मत भूलो यारी, लात मारेगी नारी याद आएगी यारी, ये जानकारी है सारी जनहित में जारी। तो यार अभी तक इस वीडियो के अंदर आपने जो भी सीन देखा उसका भैया वास्तविक जीवन से कोई भी लेना देना नहीं है, अपन भैया ठरकी बिल्कुल भी नहीं है, बस सीन ये है कि यार आपको हंसवाना चाह रहा था, तो बस इस वजह से इस वीडियो में आपको वो दिखाया मैंने। और साथ ही यार यूट्यूब में मैंने अभी तक 15 किल से नीचे का कभी गेम प्ले नहीं डाला, लेकिन भैया आज 10 किल का गेम प्ले डाला, वो सिर्फ इसलिए यार क्योंकि इस मैच को खेलते टाइम मेरे को बहुत मजा आ रहा था, तो मुझे लगा कि शायद आप लोगों को भी बहुत मजा आएगा, तो आई होप आपको मजा आया होगा। अगर आया हो तो यार प्लीज लाइक जरूर करना, चैनल में नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और यार उस क्लच के लिए एक बार शेयर तो बनता है, तो हो सके तो यार शेयर भी कर देना। खैर जाते जाते आपसे एक बात कहूंगा, अगर आपके सपने बड़े हैं तो संघर्ष छोटा कैसे हो सकता है, यानी जिंदगी में जब तक लड़ोगे नहीं तब तक बढ़ोगे नहीं। तो बस भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।